दरिया झेलम में हर साल जो है वो सलाबी सूरत हाल पैदा होती है और इस बार जो है वो पानी की सतह बुलंद हुई, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ खिदर साहब मौजूद हैं जो ख़ुद जगह जगह जाकर जायज़ा ले रहे हैं और इस वक्त हेड त्रिमू पर पानी की जो आमद है वो 39,000 क्यूसिक है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएँ क्या सूरत हाल है, जायज़ा भी आपकी जानिब से लिया जा रहा है मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर। जी, ये दरियाए झेलम जो है ओवरफ्लो हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो दरियाई बेल्ट के मौजाजात हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। उसमें जो है फसलों को जो है ना वो थोड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसमें हमारी फॉडर क्रॉप्स शामिल हैं और इसके अलावा आबादियां जो हैं वो फ़िलहाल महफूज हैं, उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले से डिप्टी कमिश्नर जंग साहब की हदायत पे हमने इलाकों का विज़िट भी किया है, आज भी हम विज़िट कर रहे हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। उसमें 112 है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, अगर खुदा ना खास्ता सिचुएशन जो है वो मज़ीद एग्रीवेट होती है तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हेड त्रिमू के मकाम पर और यहाँ से 22,000 क्यूसिक जो है वो इस दरिया झेलम में पानी का अखराज है। तमाम मुतलका महकमे जो हैं वो मुतहरिक हैं, विज़िट भी किए जा रहे हैं और अगर पानी की सतह में मज़ीद बुलंद होती है तो फिर इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं उसका आगाज़ किया जाएगा। अब पानी की सतह जो पहले बुलंद हुई थी, 49,000 क्यूसिक जो है पानी की आमद थी, अब उसमें कमी आई है और मज़ीद जो है वो कमी आएगी। और अगर बात करें यहाँ पर नुकसान की, तो जो फसलें जो हैं मुतासर हुई हैं उस हवाले से महकमा ज़रात का अमला जो है वो जा रहा है और वो जायज़ा ले रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंग की तहसील 18,000 में। दरिया झेलम में पानी सतह बुलंद होने से जो है वो 20 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं, ज़िले इंतज़ामिया भी मुतहरिक हो गई है, जायज़ा लिया जा रहा है, लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल उसे मॉनिटर भी किया जा रहा है। किसान क्या कहते हैं, किसानों के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, वो काफ़ी परेशान हैं यहाँ के जो मकीन हैं। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि पानी कितने इलाकों में दाखिल हुआ है? तकरीबन 20 से ज़्यादा देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और फसलें तबाह हो चुकी हैं, ज़मीनी रबता मुनकता है, माली नुकसान है, बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये कह रहे हैं जी यहाँ पर ज़मीनी रबता भी मुनकते है और यहाँ पर काफ़ी जो है परेशानी का सामना है इन्हें, इनसे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्या हर साल इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती है? जी, हर साल इसी तरह पानी आता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा तो मुझे ये बताएं कि ये जो फसलें जहाँ पानी दाखिल हुआ है क्या ये मुतासर होंगी मुकम्मल तौर पर? ये जो ज़ेरे जो काश्त जो फसलें हैं ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी? अगर इंतज़ामिया साथ दे, पानी का अखराज किया जाए तो ये फसलें बच जाती हैं, नुकसान हो जाता है लेकिन बच जाती हैं। अगर इंतज़ामिया तावन ना करे तो ये फसलें पानी खड़ा रहता है और तबाह हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता चलूँ कि पहले से जो सूरत हाल, जो पहले पानी का जो फ़्लो था काफ़ी ज़्यादा था, अब पानी की सतह में थोड़ी कमी आ रही है और इस हवाले से जो निकासी का जो निज़ाम है हेड त्रिमू पे उसे बेहतर जो है वो किया गया है और यहाँ पर लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है उसे मॉनिटर भी किया जा रहा है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो यहाँ पर अब से चंद लम्हों पहले यहाँ पर खिजर मंद जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी यहाँ पर जायज़ा लिया। यहाँ पर रेवन्यू और महकमा इनहार का अमला भी यहाँ पर जो है वो जायज़ा ले रहा है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो मॉनिटर की जा रही है।